आज आशा अधिकार मंच के बैनर तले बस्ती जनपद की हजारों हजार आशाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुकार करने आई थी, गुहार लगाने आई थी कि मानवत जिस संचारी रोग अभियान का शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें आशाएं एक साल पूर्व काम कर चुकी हैं और इनको एक पैसा मानदेय नहीं मिला है। कोविड काल में जान हथेली पर रख करके सर्वे कार्य कर चुकी हैं, इनको एक पैसा नहीं मिला है। दस्तक अभियान में इनको एक पैसा नहीं मिला है। इनसे अगर आपको काम कराना है तो इनको इनका पुराना भुगतान आपको देना होगा। इन आशाओं की एक मांग है कि योगी जी एक कुशल श्रमिक को 350 रुपया प्रतिदिन मजदूरी देने का प्राविधान है, लेकिन कौन सी ऐसी बात है कि इन आशाओं का 3000 भी सुनिश्चित मानदेय नहीं है। क्यों ना इनका मानदेय न्यूनतम 10000 किया जाए, क्यों ना इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तमाम सारे सरकारी संस्थान हमारे अधिकारी जनप्रतिनिधि ये कह चुके हैं कि आशाओं ने कोविड काल में सबसे बेहतर काम करने का काम किया है, तो इनको सम्मान के नाम पे देना है तो मान दे दीजिए, इनके बकाया भुगतान को दीजिए, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए और कुछ ना दीजिए तो इनको बुला करके इनकी बात तो सुनिए। आज इन आशाओं से रुधौली विधायक और कप्तानगंज के विधायक ने कहा कि आप लोग शांत पूर्वक खड़ी रहे, आपके 5 प्रतिनिधियों को हम अंदर बुलवाने का काम करेंगे। फिर ऐसी कौन सी बात है कि पुलिस के बल पर उत्तर प्रदेश की हाथापाई करने पर आमादा है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जिस सरकारी रोग का उद्घाटन करने आए हैं वो इन्हीं आशाओं के जरिए चलेगा। अगर इनकी बात नहीं सुनोगे तो आपके फीता काटने से संचारी रोग का कार्यक्रम चल नहीं पाएगा। और मैं चंद्रमणि पांडे आशा अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के तौर पर कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने कार्य बहिष्कार का मैंने घोर विरोध किया। मैंने कहा हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम समाज हित में स्वास्थ्य विभाग के कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर करें और अपने अधिकार को लेकर लड़ें। लेकिन अगर शासन प्रशासन का यही रवैया है, आज अगर इन आशाओं को मिलने नहीं दिया गया, इनकी बात नहीं सुनी गई, तो कल से आशाएं पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। अगर इनको आप प्रधान का कर्मचारी मानते हैं तो ऐसे प्रधान के द्वारा कहे गए कार्य को करेंगी, लेकिन अगर सीएमओ निर्देश देता है तो इनको स्वास्थ्य विभाग। आप लोगों का धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक मुख्यमंत्री यहाँ से नहीं चले जाते हैं। मेन मांगे मुख्यमंत्री के जाने तक मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुनी जाएगी। बात नहीं सुनी जाएगी तो हम कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में।